आज हम आप लोगों को बताएंगे कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और उसकी डिजाइन किस तरीके से की जाती है। तो आइए सीखते हैं कोरल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसमें लोगो या कोई भी फोटो कैसे लगाया जाता है डिजाइन के साथ में। तो विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए कोरल को ओपन करेंगे। और ये इमेज देखिए, ये है वॉलपेपर। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने भी इंटरनेट से डाउनलोड किया है। ये इंटरनेट से HD में डाउनलोड किया हुआ वॉलपेपर है, बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसके साइड में पॉइंट होते हैं, अगर छोटा बड़ा करना हो या घुमाना हो तो घुमा सकते हैं, पर हमको फुल साइज में बनाना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना। ये जो हमारी डिजाइन है, ये भी इंटरनेट से PNG डाउनलोड की गई है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर एडोब फोटोशॉप से आप ये डिजाइन बना सकते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में ये बताया है, अगर ये आपको डिज़ाइन किस तरीके से फोटोशॉप में बनती है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें PNG फाइल बनाने सिखाया गया है किस तरीके से आप PNG फाइल बना सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। अब ये लोगो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या कोरल में बना सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। और उसके बाद आप जो आपका नाम हो या किसी तरीके से आप जो जिस नाम से बनाना चाहते हो अपना विजिटिंग कार्ड, उस नाम को आप लिख लेंगे, कीबोर्ड से एफेक्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट ले सकते हैं, और यहाँ से हिंदी यूज़ कर सकते हैं, हमको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश ही यूज़ करेंगे और लिख लेंगे। एरो लेकर जो पॉइंट होते हैं छोटे छोटे, इसको पकड़ के हम ड्रैग करेंगे, खींचेंगे और अपने हिसाब से जितना भी हमको सेट करना है वो कर लेंगे। इस पर कलर फिल कर देंगे, हम ब्लैक ही रहने देते हैं, आप जो चाहे वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करेंगे और कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद ये नीचे का ड्रैग कर सकते हैं या पीछे का पकड़ के ऊपर। अब इस पर F12 करके ये ला के डिफॉल्ट करके ओके कर देंगे और कलर डार्क ब्लैक। अब ये ऊपर का कर सकते हैं तो ये इस तरीके से डिजाइन नजर आएगी, नीचे का करेंगे तो उस तरीके जैसे आपको हो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखना होता है तो मोबाइल, ये हमारा ये भी इंटरनेट से डाउनलोड है, कोई भी आप लगा सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें जिसमें इधर उधर ये ना हो, बराबर चले। ये देखिए पूरा ग्रुप है हमारा। और इस पे कलर देने G प्रेस करेंगे और खींच देंगे माउस से और कलर ये फिल किया, और बीच में करने के लिए यहाँ पर आएंगे, एक क्लिक करेंगे और बॉक्स आ जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे और कलर फिल कर देंगे। ये तीन कलर का हमारा कलर हो गया। अपने हिसाब से कलर की सेटिंग कर लेंगे, जिस तरीके से आपको लगाना हो, जिस तरीके से आपको कलर बनाना हो उस तरीके से सेटिंग कर लेंगे आराम से। और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था फ्लेक्स डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है उसमें ग्रुपिंग।
और ये इसको मोड़ सकते हैं और ये नंबर लाके यहाँ पर रख सकते हैं। सेटिंग कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा आपका विजिटिंग कार्ड बनेगा जाके। नंबर ज़्यादातर बड़े होते हैं क्योंकि विजिटिंग कार्ड पे छोटा विजिटिंग कार्ड होता है तो उसमें नंबर शो नहीं होती, तो नंबर हमेशा आप बड़े ही रखिए विजिटिंग कार्ड के लिए। और ये लाइन डाल लीजिए, लाइन जो सा आपको कलर अच्छा लगे। और यहाँ पर अगर हम इसका कलर रेड नहीं अच्छा लगेगा, इस पर ब्लैक ही अच्छा लगेगा, ब्लैक कर लेते हैं। और ये प्रिंटिंग उठा के यहाँ इसके नीचे लगा लेंगे और बाकी फिर शादी कार्ड ये उठा के आराम से अपने हिसाब से जहाँ पर सही लगे वहाँ पर रख लेंगे। फिर ये उसकी पूरी डिटेल, फिर एड्रेस उसका, ये देखिए। उसके बाद ये हम जो PNG डाउनलोड किया था इंटरनेट से वो लेते हैं, ये यहाँ पर रख लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्रिंटिंग हमारा अंदर चला गया। ये मोर इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है हम जो करते हैं वो पीछे चला जाता है, उसको लाने के लिए वो दिक्कत हो जाती, तो क्या करेंगे जो पीछे गए उसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप साथ ही में ये की दाबेंगे और ये देखिए ऊपर आ गए। ये देखिए थोड़ा सा हो गया है, इसको भी सेटिंग करके बराबर में ले आते हैं ये शादी कार्ड। देखिए जितनी अच्छी आप सेटिंग करेंगे, जितना अच्छा सजाएंगे आप, उतना अच्छा आपका विजिटिंग कार्ड बनेगा। अगर कस्टमर को देना है तो वो भी देखिएगा कि डिजाइनिंग हाँ आपने बढ़िया की है, तो और भी आपको काम मिल सकता है। तो जितनी अच्छी आप आराम से डिजाइन करेंगे उतनी अच्छी डिजाइनिंग हुए। ये सारे जितने भी लोगों हैं ये सारे PNG हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, सेव एस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और भी आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर वीक हम एक न्यू वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।